श्रीराम जय राम जय जय राम 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहत्या हर हर महादेव। समुपस्थित सज्जनों देवियों, ये सौभाग्य का विषय है कि आज हम लोग ब्रजभूमि में और उसमें भी वृंदावन में, जहाँ भगवान ने अनेकों लीलाएँ की, जहाँ बछड़े चराए, गोचारण किया और जहाँ रास क्रीड़ा की, ऐसे धन्य स्थल पर और उसमें भी भगवान के अवतार के पश्चात अनेकों संत महात्माओं भगवत भक्तों ने हाथ तपस्या करके इस भूमि में आध्यात्मिक परमाणु बिखेर दिए और जिस स्थान पर हम लोग बैठे हैं यहाँ पर एक महापुरुष थे उड़िया बाबा, उनका नाम था स्वामी पूर्णानंद तीर्थ। उन्होंने उड़ीसा में जन्म लिया था और वहाँ के शंकराचार्य मधुसूदन तीर्थ से दंड संन्यास का दंड संन्यास की दीक्षा लेकर इधर गंगा तट पर आए थे और यहाँ उन्हें महापुरुषों ने स्वप्न की द्वारा तत्व दर्शन कराया और उन महापुरुषों ने ब्रज में वृंदावन में आकर इसी स्थान पर तपस्या की। उड़ीसा में जन्म लेने के कारण लोग उनको उड़िया बाबा कहते थे। महात्माओं का कोई देश नहीं होता, कोई प्रदेश नहीं होता,
वे तो वसुधैव कुटुंबकम सारे विश्व में अपना प्रकाश देते हैं। हमें भी लोग कहते हैं आप मध्य प्रदेश से आए, तो मध्य प्रदेश ये नहीं, पूरा भारत हम लोगों का प्रदेश है और वो भारत जहाँ की संस्कृति और सभ्यता सारे विश्व का मार्गदर्शन करती है। एक सिकंदर नाम का विश्व विजयी हो गया है, वो उसका भी एक गुरु था जिसका नाम अफलातून था। अफलातून से उसने पूछा कि मैं भारत जा रहा हूँ, आपके लिए क्या लाऊं? तो उसके गुरु ने कहा, यदि तू भारत जा रहा है तो वहाँ से गंगा जल लेकर आना, गीता की एक पुस्तक ले आना, और मिल जाए तो ज्ञानी गुरु ले आना। ये हमारे देश की जो महिलाएं हैं इनका ये वैशिष्ट है कि ये महापुरुषों को जन्म देती हैं, इन्हीं की गोद में ध्रुव प्रहलाद, इन्हीं की गोद में अनेकों संत महात्मा जन्मते हैं और इन्हीं के द्वारा संस्कार ग्रहण करके धर्म का आचरण करते हैं। माता बाल्यावस्था में जो बालकों को संस्कार दे देती है वो कभी भूलता नहीं। तो ऐसी स्थिति में भारत की माताओं को के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व आ गया है कि वे अपने बालकों को अच्छे संस्कार दें। आप देखिए, कल हमारा आप लोगों ने जन्मोत्सव मनाया, बहुत सी महिलाएं आई हैं, उन्होंने तीजा का उपवास किया। उन दिनों कल लोगों के लिए बादाम का हलवा बनाया गया था, लेकिन माताओं ने वो नहीं छुआ, पानी तक नहीं पिया। इन्हीं के कारण भारत की संस्कृति आज बची हुई है। जब हिंदू कोड बिल पार्लियामेंट में आया तो उसका विरोध करने के लिए बहुत से लोग पार्लियामेंट के सामने खड़े हुए, उनमें एक महिला संत भी खड़ी हुई। जवाहरलाल नेहरू ने उससे पूछा कि आपके लिए तो हम ये कोड बना रहे हैं, आपके लिए हम सुविधा दे रहे हैं कि आपको यदि घर में कष्ट होता हो, पति आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता हो, तो आपको तलाक देने का अधिकार दिलाएंगे और आपके पिता के की संपत्ति के आप अधिकारी नहीं रहेंगी,
इसलिए आर्थिक पर अधीनता भी आपको नहीं रहेगी। आप इसका क्यों विरोध कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि अब ऐसा कानून आप शास्त्र के विरुद्ध काम बनाएंगे बनाएंगे कानून बनाएंगे तो हम आपके जैसा बेटा पैदा नहीं कर पाएंगे। जो महिला तलाक दे के दूसरे विवाह से बेटा पैदा करेगी, जो बिना वेद मंत्रों के लव मैरिज करके रजिस्टर्ड विवाह करेगी, वो आपके जैसा प्रतिभाशाली लोक पर लोक को बनाने वाला बेटा पैदा नहीं कर पाएगी। अब बड़ी कठिनाई है कि आज लोग इस महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। महिलाओं ने भी संगठन कर रखा है। अभी आपने सुना कि महिलाओं के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, पहले कभी नहीं होता था। उसका कारण ये है कि समाज की रक्षा केवल राज्य के द्वारा नहीं होती है, समाज की रक्षा धर्म के द्वारा होती है। आप देखिए, भगवान श्री राम को राज तिलक दिया जाने वाला था, युवराज बनने वाले थे। पिता ने भी कह दिया था और गुरु वशिष्ठ ने भी कह दिया था कि आज संयम कीजिए, कल आपको अभिषेक के द्वारा युवराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ का उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। भगवान ने संयम किया था, किंतु उसके पश्चात कैकेयी ने वरदान मांग लिए और भगवान राम को कैकेयी ने बतला दिया कि तुम्हारे पिता से हमने ये वरदान मांगे। भगवान श्री राम ने महाराज दशरथ की विह्वल अवस्था को जब देखा, उनको कल्पना हुई, आशंका हुई कि हमारे पिता को कोई रोग होगा हो गया होगा, कोई व्याधि आ गई होगी, या मुझसे कोई अपराध बन गया होगा। तो कैकेयी बोलती है, तुम अपराध योग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। बेटे, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, जननी जनक और बंधुओं को सुख देने वाले हो। तो फिर क्या बात है, आइए बेटे, मेरे पिता इतने दुखी क्यों हैं? कैकेयी बोली, मेरे वरदान के कारण। कौन सा वरदान? तो उसने कहा कि मैं चाहती हूँ कि राज तिलक भरत का हो जाए, भरत को राज्य मिलना चाहिए। भगवान ने कहा, ये तो बड़ा सुंदर वरदान आपने मांगा, क्योंकि भरत प्राण भी पावही राजू, भरत मेरे लिए प्राण प्रिय हैं, उनको राज्य मिल जाए इससे अधिक मेरे लिए आनंद का विषय क्या हो सकता है। तो इसके लिए हमारे पिता इतने परेशान क्यों हैं? बोली एक दूसरा वरदान है, तापस वेश विशेष उदासी
14 बरस राम वनवासी। तपस्वी के वेश में उदासीन भाव से 14 वर्ष के लिए राम का वनवास भी मैंने मांगा है, जिसके कारण तेरे पिता इतने दुखी हो गए। भगवान ने कहा, मैया ये वरदान तूने क्यों मांगा? कैकेयी देखने लगी, ये शायद रुष्ट होकर बोल रहा है। किंतु भगवान ने आगे कहा, माँ पिता से वरदान मांगने की आवश्यकता नहीं थी, मैं तो तेरे ही कहने से चला जाता। सुन जननी तई सुत बड़ भागी, जे पितु मातु वचन अनुरागी। जो हाँ, अगर मैं बन ना जाऊं तो मूढ़ समाज में मेरी प्रथम गणना हो गया। जो न जाऊं बन ऐसे उकाजा, प्रथम गणीय मुहि मूढ़ समाजा। भगवान चले गए। आप देखिए, जिस दिन भगवान श्री राम का अभिषेक होने वाला था, उसके पहले ही उनसे उपवास कराया गया था। फिर वन जाने की आज्ञा हो गई तो वहाँ से चले, उपवास में चले, और फिर वहाँ से चल के श्रृंगवेरपुर जब पहुँचे तो वहाँ भी केवल जल पी कर रह गए, इतना सब कष्ट उठाते हुए बन गए। चित्रकूट में पर्णकुटी में निवास करने लगे। इधर भरत जी ननिहाल से आते हैं और जब वो ये देखते हैं कि मेरे कारण मेरे प्रभु वन में गए हैं, बहुत ग्लानी हुई। बड़ी सभा हुई, हम विस्तार में नहीं जाएंगे। जो हम कहना चाहते हैं वो ये है कि भरत जी अभिषेक की सारी सामग्री साथ लेकर सेना के साथ सड़क बनाते हुए रथ में भगवान श्री राम को बैठाल कर लाने के लिए चित्रकूट जाते हैं, और वहाँ बड़ी सभा होती है। अंततो गत्ता वशिष्ठ जी ने और सभी लोगों ने कहा कि भरत जो कहते हैं वो आपको करना चाहिए। भगवान श्री राम भी कहते हैं, भरत कहे सोई की भलाई। तो उस समय भगवान श्री राम भरत के कहने पर भी अयोध्या क्यों नहीं गए, प्रश्न ये। क्योंकि कोई बाधा नहीं थी। एक तो भरत का संकोच था कि भरत के राज्य में मैं बाधा डाल रहा हूँ, वो संकोच समाप्त हो गया था। लौटना कोई निरापद था, उसमें कोई विघ्न नहीं था। लेकिन भगवान श्री राम वहाँ एक चौपाई आती है, नीति प्रीति स्वार्थ परमार्थ को न राम समझान यथारथ। नीति प्रीति स्वार्थ और परमार्थ राम के समान कोई नहीं जानता। तो भगवान श्री राम ने ही सोचा कि पिता की आज्ञा की अवहेलना करके यदि मैं फिर से अयोध्या
14 वर्ष के पहले लौट जाता हूँ तो माता पिता की आज्ञा का त्याग कर देना, अवज्ञा करना प्रजा के लिए अनुकरणीय हो जाएगा। इसलिए भले ही भरत का वियोग उनको सहना पड़े, मुख्य रूप से तो भरत भगवान श्री राम से पृथक नहीं होना चाहते थे और भगवान राम भी भरत से पृथक नहीं होना चाहते, उन्होंने कहा कि ये विपत्ति है। विपत्ति क्या है? वनगमन विपत्ति नहीं है, हम दोनों भाइयों का 14 वर्ष के लिए जो वियोग है ये विपत्ति है, लेकिन धर्म के लिए इस विपत्ति को हमें बांटना चाहिए। परिणाम ये हुआ कि भगवान ने ये नीति के द्वारा निश्चय किया कि धर्म के ही द्वारा प्रजा का पालन किया जा सकता है। और प्रीति ये कि भगवान कभी लौटकर अयोध्या नहीं जाते, क्योंकि उनको ये था कि मेरे अयोध्या लौटने से मेरा भाई भरत राज से वंचित हो जाएगा। पर भरत जी की जो इच्छा थी उस उनके आग्रह को उन्होंने स्वीकार किया, ये प्रीति हो गई। और स्वार्थ ये है कि 14 वर्ष के लिए जब मैं अयोध्या से बाहर जाऊंगा तो अयोध्या की रक्षा करने के लिए भरत से बढ़कर और कौन व्यक्ति योग्य हो सकता। ये स्वार्थ भी था और परमार्थ यही था कि ऋषि मुनियों के साथ रहना। परिणाम ये हुआ कि भगवान श्री राम ने 14 वर्ष के लिए राज्य का त्याग किया। अयोध्या का राज्य बहुत संकीर्ण हो गया था, चारों ओर से राक्षस और दूसरे लोग सिर उठा रहे थे, लेकिन भगवान ने धर्म का जब बहुत दृढ़ता से आश्रय लिया तो हम पढ़ते हैं कि सप्तदीप सागर मेखला एक भूप रघुकर कौशला। ये सारी पृथ्वी सप्तदीप सागर मेखला, जिसमें 7 द्वीप हैं और उसमें भी जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप में भारत खंड है, भारत खंड में भारतवर्ष है, और जिसके उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में समुद्र है। यही नहीं, पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे द्वीप द्वीपांतर में एकमात्र राजा अगर कोई था तो वो राम थे। तो कहने का अभिप्राय यह है कि प्रजा की रक्षा धर्म से ही हो सकती है। जब तक प्रजा धर्म को मानती रहेगी राजा को अपने शासन में कठिनाई नहीं होगी। तो धर्म का ज्ञान पहले तो माता पिता ही दे देते थे, फिर गुरुजन देते थे, और जो गुरुजन थे गुरुकुल में शास्त्रों के द्वारा धर्म की शिक्षा देते थे, और कुछ लोग अपने परंपरागत आचरण से भी धर्म को जानते थे। हमारे यहाँ माना जाता है कि श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्थ च प्रियमात्मना एतत् चतुर्विधम प्राहुः साक्षात् धर्मस्य रक्षणम्। श्रुति स्मृति सदाचार और आत्मा की प्रियता, ये धर्म का लक्षण। पर इसमें तारतम्य है। सदाचार
आत्मा की प्रियता धर्म है, आत्मा की प्रियता धर्म है, क्योंकि धर्म में वो शक्ति है कि आचरण करने वाले को हृदय प्रफुल्लित कर देता है। जब हम किसी भूखे को भोजन देते हैं, प्यासे को पानी देते हैं, किसी निर्धन को धन देते हैं, विपत्ति में किसी की सहायता करते हैं, तो स्वयं हमारे हृदय में आह्लाद होता है। पर कभी कभी हाँ, सत्य बोलने से भी हमें प्रसन्नता होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि असत्य बोलने के अभ्यासी हो जाते हैं, उनको झूठ बोलने में ही आनंद होता है। वो रोज कचहरी में बैठ के झूठी गवाही देते रहते हैं। उनकी प्रियता जो है सदाचार के विपरीत है। आत्मा की प्रियता सदाचार के अनुकूल होनी चाहिए, और सदाचार स्मृति के अनुकूल होना चाहिए। हम लोग सदाचार किन से सीखें? बहुत से लोग अहिंसा की बात करते हैं, सत्य की बात करते हैं, बहुत से गुणों की बात करते हैं, किंतु उन गुणों को हमें शास्त्र से ग्रहण करना है। दूसरों से ग्रहण करेंगे तो पहले तो लगेगा कि अच्छी बात कह रहा है, लेकिन उसके बाद कुछ ना कुछ वो मिटा देगा, अवैध मार्ग पर हमको खींच के ले जाएगा। इसलिए सदाचार स्मृति के अनुकूल होना चाहिए, और स्मृति को श्रुति के अनुकूल होना चाहिए। तो श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मना एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम्। तो आज जो अपराध बढ़ रहे हैं वो इसलिए बढ़ रहे हैं कि हमारे राज्य में धर्म की शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आप केवल दंड से ही लोगों को अन्याय से, अत्याचार से नहीं बचा सकते। दंड जो है तब दिया जा सकता है जबकि आपको साक्ष्य मिल जाए, लेकिन वो साक्ष्य ही मिटा देते हैं, और फिर उनके मन में हिचक भी नहीं है, पाप करने से उनको गिलानी भी नहीं होती है। तो आवश्यकता इस बात की थी कि जब भारत में हिंदू का राज्य हो गया तो हिंदू शास्त्र जो महाभारत है, रामायण है, इनका ज्ञान बालकों को दिया जाता। अगर हमारे बालकों को रामायण पढ़ाई जाती तो ये पता लगता कि पर नारी का अपहरण करने से राक्षस कुल का नाश हो गया, ये नहीं करना चाहिए। महाभारत पढ़ाई जाती तो नारी के वस्त्र हरण जैसी कुचेष्टा से गुरुकुल का विनाश हो गया, ये हमको शिक्षा मिलती। अब वो शिक्षा मिल नहीं रही है, पाप पुण्य का किसी को भान ही नहीं है, कैसे आप उनको समाज बचा सकते हैं? आज भी देखिए, आप लोग यहाँ आए हैं, यहाँ बैठे हैं, निश्चिंत हैं आप, क्योंकि घर में आपकी पतिव्रता पत्नी बैठी है और उस पर आपको विश्वास है कि वो अपने धर्म का त्याग नहीं करेगी, तभी तो आप बैठे। अगर उसके हृदय में वो भावना ना हो तो आप घर से बाहर निकल नहीं सकते। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे की
नैतिकता पर, धर्मनिष्ठा पर विश्वास रखता है, इसलिए एक दूसरे की चोरी नहीं करता, अहित नहीं करता। तो समाज की रक्षा मनुष्य के हृदय में धर्म की भावना उत्पन्न कर देने से होती है, केवल दंड से नहीं होती। अब आप देखिए, अभी कानून बनाया गया कि अगर आपने किसी हरिजन को उसकी जाति से संबोधित कर दिया तो आपको 60 दिन की सजा उसकी शिकायत से हो जाएगी। अब आप सोचिए क्यों होगा, क्योंकि उसके हृदय में चोट पहुंचेगी। अगर धर्म का ज्ञान कराया जाता तो वहाँ बताया है, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मन प्रतिकूलानी न परेशान समाचरित। धर्म का सर्वस्व समझ लीजिए और उसको धारण कीजिए, जो बात अपने को बुरी लगती हो, जिस शब्द से दूसरे के हृदय में पीड़ा पहुंचती हो, उस शब्द का उच्चारण हमको नहीं करना चाहिए। ये कहा जाता है, शस्त्र का घाव पर जाता है लेकिन वाणी का घाव, शब्द का भाव नहीं पड़ता है। तो वो आपको शिक्षा मिली नहीं, और वो शिक्षा पहले थी, इसलिए हम लोग आपस में एक दूसरे से प्रेम के साथ रहते थे। एक गांव में सब जाति के लोग रहते थे, सबके आपस में रिश्ते होते थे, सबके सुख दुख में लोग एक दूसरे का सहयोग करते थे। वो आज राजनीतिज्ञों ने विघटित कर दिया, वर्ग भेद पैदा कर दिया। तो आप देखिए, अगर वो कह देगा कि इसने हमको अमुक जाति के संबोधन से संबोधित किया, तो बिना विचारे 60 दिन की आपको सजा हो जाएगी। जो व्यक्ति सजा काट के निकलेगा, उसके हृदय में हिंसा की भावना उत्पन्न हो जाएगी, इसने हमको जेल भिजवाया और हम उसकी हत्या करके छोड़ेंगे। ये सब बातें, वर्ग भेद कर दिया। तो ये राज्य का काम नहीं है, राज्य का काम लोगों में परस्पर समन्वय प्रेम स्थापित कराना है, वैसी ही शिक्षा देनी है। तो आज जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, कन्याओं तक को लोग नहीं छोड़ रहे हैं, अगर दुर्गा सप्तशती का किसी को ज्ञान होता, विद्या समस्ता तव देवी भेदा स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु, विद्या ही तुम्हारे भेद, भगवती तुम्हारा भेद है, आप ही का रूप है, स्त्रियां। आप देखिए, जब नारी बालिका होती है, कन्या रहती है, उसके माता पिता तक नवरात्रि में अपनी बेटी की पूजा करते हैं, उसके प्रति जरा सी भी दुर्भावना नहीं होती है। और अभी भी कन्या पूजन कराते हैं लोग, लेकिन कुछ दुष्ट लोग हैं, अब वो शिक्षा के अभाव में ऐसा अनाचार करने लग गए। इसी प्रकार बहुत से लोग जो अपने से निम्न जाति के लोग हैं उनको चढ़ाते हैं, लेकिन जब आप उनको हथियार दे देंगे और ये आप समझ के चल रहे हैं कि जो सवर्ण हैं वो सबके सब अत्याचारी हैं और वो सबके सब दूध के धुले हैं, तब तो ये कानून आप बना रहे हैं ना,
तो आपने सबको एक लाठी से क्यों हांक दिया? भले लोग भी तो हैं, आप कौन हैं? आपने जो ये कानून बनाया वो अपने स्वार्थ के लिए बनाया कि मनुष्यता के लिए बनाया? यदि आपने मानवता के लिए बनाया तो आप सवर्ण होकर भी बना रहे हैं, इसका अर्थ ये कि सब सवर्ण दोषी नहीं है। और यदि आप केवल अपने स्वार्थ के लिए बना रहे हैं तो आप स्वयं अत्याचारी हैं। तो ये सब बातें समझने की हैं। जो ये बात हमको समझाती हैं कि मनुष्य को शासन केवल कुछ लोग जो बहुत ही उच्छृंखल हैं उनको दंडित देने के लिए राजा होता है। गुरु रात्मवताम शास्ता, आत्मवानों का शास्ता गुरु होता है। और गुरु में माता पिता और आपके गुरु भी आते हैं, ब्राह्मण आते हैं। राजा शास्ता दुरात्मनाम, जब जो अपने से बड़ों की बात नहीं मानता उसका शास्ता राजा होता है। और राजा भी यदि धर्म की बात न माने तो कहाँ जाओगे? वो भी यदि धर्म नहीं मानता है, ईश्वर पर उसका विश्वास नहीं है। आज आप देखिए, अभी तो वहाँ सबरीमलय में लोगों ने, वहाँ कानून वो नियम था कि जिन स्त्रियों को रज धर्म होता है उनको उस समय नहीं जाना चाहिए, कन्या जाए वृद्धा जाए। अब अदालत में ये मामला है और संविधान के अनुसार ये फैसला होने वाला है कि नहीं, उनको नहीं रोका जा सकता, सब जाएंगे। तो आप ये बताइए कि वो वहाँ जो जा रही हैं वो नारियों के अधिकार को सुदृढ़ करने के लिए जा रही हैं कि भगवान के दर्शन का पुण्य लेने जा रहे हैं? तो भगवान के दर्शन का पुण्य तब मिलेगा जब भी शुचि होकर पवित्र होकर जाएंगे। आप देखिए, हमारी माताएं जब 4 दिन 3 दिन के लिए जो धर्म से युक्त हो जाती हैं तो वो स्वयं ही पूजा नहीं करती, क्योंकि वो जानती हैं कि इस समय की पूजा भगवान को स्वीकार नहीं होगी। इसी तरह से जब जनना शौच मरना शौच आ जाता है तो हम लोग वो नहीं करते हैं। अपवित्र दशा में भगवान का नाम तो किसी भी दशा में लिया जा सकता है, लेकिन जो माला से हम लोग जप करते हैं वो शुद्ध होकर ही करते हैं। तो संविधान के अनुसार तो कोई भेद ही नहीं है। तो इस तरह की बात नहीं चलेगी। हमारे यहाँ धर्म के मामले में हमारा संविधान, हमारे वेद स्मृतियाँ हैं, आज का संविधान नहीं है, वो इस लोक के लिए है। परलोक के लिए नहीं है, परलोक का जो संविधान है वो बना बनाया है। एक संस्था है वो कहती है पुरानी स्मृतियाँ अब समयानुसार पुरानी हो गई हैं, अब व्यावहारिक हो गई हैं, इसलिए अब हम नई संसद बनाकर नई स्मृतियों का निर्माण करेंगे। माने संसद का अर्थ होता है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट नियम का निर्धारण करती है, विधेयक लाती है। जब बहुमत से विधेयक पास हो जाता है तो उसमें जब तक कि राष्ट्रपति का या गवर्नर का हस्ताक्षर नहीं हो जाता तब तक वो विधेयक कानून का रूप नहीं लेता।
आप जो नियम बनाएंगे, आप जो स्मृति बनाएंगे, आपकी स्मृतियों में हस्ताक्षर किसका होगा? हस्ताक्षर करने वाला कौन है? भगवान तो अभी आपके सामने है नहीं। तो ये तभी संभव है जब वो पहला जो परमात्मा था, ईश्वर था, वो जब तक चुनाव में न हार जाए या मर न जाए और चुनाव से दूसरा ईश्वर न आ जाए, तभी न दस्तखत होगा। वो तो अभी विद्यमान है। ईश्वर तो भी नष्ट होता नहीं, ना उसके चुनाव हो सकता। दूसरा को चुनाव तो तब होगा कि दो कैंडिडेट होंगे। ईश्वर का कौन सा कैंडिडेट होगा? क्या राष्ट्रपति होगा कि प्रधानमंत्री होगा? कौन होगा? कौन ईश्वर बनेगा? तो भगवान जो है उनके न तो कोई समान है, ना उनसे कोई अधिक। जो उन्होंने हमारे कल्याण के लिए बतलाया वो पत्थर की लकीर है, उसी पर हमको चलना है। अगर कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको कठिन प्रतीत हो रही हैं, तो आप भगवान से प्रार्थना कर लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, लेकिन उसको काटिए मत। भगवान ने प्रत्येक युग के लिए, प्रत्येक अवस्था में प्राणी के लिए मार्ग खोल के रखा है। कैसे ही पापी हो, परंतु यदि मरते समय भगवान का नाम लेके मर जाए तो उसका कल्याण हो जाता है। गंगा में स्नान कर ले, उसकी अस्थि मरने के बाद अस्थि भी पहुंच जाए गंगा में, तो उसका कल्याण हो जाता है। तो हमारा जो धर्म है वो सरल से सरल और कठिन से कठिन है। हमें जो हमसे बन सकता है भगवान का आदेश मानना चाहिए, और जो कठिन है उसके लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। धर्म को परिवर्तित करने का दुस्साहस नहीं करना चाहिए। तो अभी भी धर्म जो है समाज के लिए आवश्यक है। हम लोग ये कहते हैं, दितिक्षमा नमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। धैर्य धारण करना, क्षमा करना, चोरी न करना, इंद्रियों को वश में रखना, मन को वश में रखना, परमेश्वर संबंधी ज्ञान प्राप्त करना, परमेश्वर का साक्षात्कार करना और सत्य बोलना, क्रोध न करना, ये 10 धर्म की रक्षा। आज भी वो प्रासंगिक हैं और आज भी लोग उसको मानते हैं। भारत में आप देखिए, चोर भी यदि गाली देगा तो कहेंगे तू चोर है। झूठ बोलने वाला भी अगर गाली देगा तो कहे तू झूठा है। अर्थात वो जानता है कि चोरी करना बुरा है, झूठ बोलना पाप। वो जो हमारे हृदय में संस्कार बने हुए हैं उनकी रक्षा होनी चाहिए, उसी समाज का हित हो सकता है। इतना ही कहकर आप अपनी बात को विराम देते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गोमाता की गोहत्या, हर हर महादेव।